हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक समझेंगे। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमें एक सर्किट दिया हुआ है, जिसमें एक रेजिस्टेंस है 60 ओम का, एक 14 ओम का है, एक 5 ओम का और एक 10 ओम का। यहाँ से करंट, टोटल जो करंट आ रहा है वो आई, वो 1 एम्पियर हम कंसिडर कर लेते हैं, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2। हमें अगर निकालना है कि ये I कितना होगा, तो एक तरीका ये होता है कि हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं या फिर दूसरा फॉर्मूला लगाएं। बहुत सारे तरीके होते हैं किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं। हम लूप कंसिडर करेंगे इसको, इसका करंट एज्यूम करेंगे किस तरह से जाना है, लेकिन हमारे पास में एक ट्रिक होती है, अगर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ब्रांच करंट हमें निकालना है। ब्रांच करंट का मतलब ये करंट या ये या ये, इनमें से जो भी हमें करंट निकालना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है। तो ब्रांच करंट जो होता है वो बराबर होता है मेन करंट और ब्रैकेट में होगा रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। ठीक है, रेजिस्टेंस एट अपोजिट ब्रांच, अपोजिट ब्रांच पे कितना रेजिस्टेंस है, और नीचे लिखेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम आई निकालना चाहते हैं तो ये वाला आई हमें निकालना है। अब सबसे पहले हम ब्रांच करंट देखेंगे। ब्रांच करंट यहाँ कितना है, यहाँ देखेंगे रेजिस्टेंस एट अपोजिट ब्रांच। अपोजिट ब्रांच अगर हम देखेंगे तो ये, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो अपोजिट ब्रांच ये पूरी हो गई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसको लेंगे तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक ट्रिक बताई है कि अगर हमें पैरेलल में किसी रेशियो को निकालना होता है तो ऊपर जो है वो बड़ा वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे 20, और नीचे लिखेंगे हम जो उसका जितना इस, ये इसका मल्टीपल है, तो 2+1 इज इक्वल टू 20/3। ये जो करंट की वैल्यू, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई पूरी, ये मेरे पास आ गई 20/3। नीचे लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इसमें ये भी जोड़ देंगे, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इतना। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ से आई, और टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे, हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर। थैंक यू।